नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और सीधे पटना से आप देख रहे हैं आज तक। हम राजभवन में यहाँ पर मौजूद हैं, उसके ठीक सामने, जहाँ पर कल शाम से बिहार की राजनीति ने जैसे 360 डिग्री का टर्न ले लिया है। नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर आज छठी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ उन्होंने ली। हाँ, एक चीज अलग जरूर थी कि नीतीश कुमार पहली बार उस एनडीए में मुख्यमंत्री बने हैं जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष। मैं इस समय तेजस्वी यादव के साथ हूं, उनके घर पे राबड़ी देवी जी भी हैं, वो टीवी देख रही है, लगातार देख रही है क्या क्या हो रहा है। तेजस्वी जी, ये बताइए, डू यू बिलीव दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड, ये पूरा ड्रामा है जो चल रहा है? इसमें बिलीव करने की बात नहीं है, इसमें सब लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं कि जिस हिसाब से कल का जो प्रकरण हुआ, सब ऐसा लग रहा था कि पहले से सब कुछ तय था और इतने महीनों से ये भूमिका बनाई जा रही थी कि किस कारण को लेकर के ये महागठबंधन छोड़ें। और हम शुरू दिन से कह रहे हैं ये तेजस्वी एक बहाना था क्योंकि इनको बीजेपी में जाना था। तो और तेजस्वी एक बहाना था, लेकिन साथ साथ ये कहेंगे कि जो आरोप है वो भी बड़ी गंभीर है। देखिए, कोई आरोप जो है ये फर्जी आरोप है, ये कहीं स्टैंड करने वाला नहीं है। ये आरोप इसीलिए लगाया गया ताकि ये महागठबंधन को तोड़ा जाए और नीतीश जी के लिए एक बहाना ढूंढा जाए ताकि वो बीजेपी में जाए और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक भाषण तैयार किया जाए कि वो बिहार आए तो किस मुंह से आए। उनको भाषण तैयार करने के लिए ये काम किया गया। और अमित शाह जी का पहले से भी जो बयान रहा है कि वो देखना चाहते हैं हिंदुस्तान के हर एक राज्यों में कि बीजेपी का सीएम हो, और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि जो नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों के साथ बेवफाई करने का काम किया, धोखा देने का काम किया, आगे आने वाले समय में बीजेपी के लोग भी इनको सही आईना दिखाने का काम करेंगे। लेकिन नीतीश जी कल कह रहे थे कि उन्होंने आपसे बात की, उन्होंने लगातार लालू जी से बात की, राहुल गांधी से बात की, और इतना ही कहा कि से कम आप सफाई दीजिए, जो गंभीर आरोप है उस पर सफाई दीजिए। मेरा एक ही उनका कहना है, मैं अपने आदर्शों पर ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे घुटन एक तरह से महसूस हो रही थी और आप उन आरोपों का जवाब नहीं दे रहे। हमने मना किया, उस मुलाकात के बाद हमने प्रेस से ब्रीफ किया और हमने साफ तौर पर कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे क्योंकि हमें जनता ने चुना है और जो प्रॉपर जो अथॉरिटी होगी, जो भी एजेंसीज जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम उसको हम लोग जवाब देंगे। हम लोग कहाँ पीछे हट रहे हैं? हमने तो नीतीश जी से ये भी कहा कि आपको क्या लगता है कि हमको किसके सामने जवाब देना चाहिए, आप बताइए, हम तैयार हैं। और इस्तीफे के लिए भी तैयार थे? इस्तीफे की बात ही नहीं हो रही थी, अभी तो एक्सप्लेनेशन की बात हो रही थी। एक्सप्लेनेशन की बात मैं कह रहा हूँ, और हम तो ये भी उनसे पूछे कि आप बताइए हमको क्या ड्राफ्ट, आप ही ड्राफ्ट कर दीजिए। हमको तो इतना भरोसा था कि हम अपना स्टैंड कैसे लें जब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत वेंडेटा के हिसाब से है। और ये कोई सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा, ये तमाम जितने ऑपोजिशन पार्टियां हैं या निजी न्यूज चैनल हैं जो अपनी बातों को सही ढंग से रखने का काम करते हैं देश के हित में, उसके खिलाफ ये पूरे देश भर में भाजपा और आरएसएस के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, जो भी आपके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं, सब इस मुहिम में शामिल है। बहुत डिटेल्ड में वो गए हैं, जो जिस तरह से घर मिले हैं वगैरह। आप सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पहले भी बयान दे रखा है तोता, तो उस पर हमको ज्यादा जिक्र नहीं करना है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट करे और किस प्रेशर में कर रही है बिहार की जनता, और हम लोग जान रहे हैं उसको। हम लोगों को कहने के केस में कोई दम नहीं है। फार्म हाउस, घर वगैरह कुछ नहीं उसमें, दक्षिण दिल्ली में। आप ये बताइए, जो भी है हम लोग डोमेन में, हम लोगों ने डोमेन में रख रखा है, लेकिन आज इसमें हमको एक्सप्लेनेशन क्यों दिया जा रहा है? हमको मोहरा बना करके ये पक्ष क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि एक 28 साल का नौजवान को मोहरा बना करके कोई अपनी राजनीति चमका रहा है जिसको बिहार की जनता ने बीजेपी के लोगों को रिजेक्ट कर दिया, कोई अपनी छवि बनाने का प्रयास कर रहा है और कोई ऐसे न्यूज चैनल है जो अपना टीआरपी चमकाने का काम कर रहा है। तो इसमें तो ये देखना चाहिए कि 15 साल का लड़का कैसे उस पर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लग सकता है। 120 वो कह रहे हैं बेनामी प्रॉपर्टी जो है, 15 साल हुआ या 28 साल, बेनामी क्या होता है? ये तो सारा जो भी है नाम पे है, जो कंपनी में तो शेयर, अरे अरे भाई, शेयर जो भी है मेरे एफिडेविट में दे रखा है, और इंडियन कंपनीज में जितने भी मेरे शेयर हैं
और लोगों का एफिडेविट निकाली उन लोगों कंपनी में अगर शेयर है तो क्या कंपनी का जिक्र है क्या उसमें? सुशील मोदी जी अपना निकालें, उनके एफिडेविट में जा करके देखिए उन्होंने जिक्र किया कि उनका शेयर कौन सी कंपनी में है। आप मुझे बताइए जो डिटेल्स मॉल हो या बंगला हो आप उसके सब ब्यौरे देने के लिए तैयार हैं? आपको इसी में इंटरेस्ट है या बिहार में जो राजनीति जो हो रही है कि उस पक्ष को आप दिखाएंगे? मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। तो नीतीश जी जिस हिसाब से बीजेपी के लोग आरएसएस के लोग मिल करके ये षड्यंत्र रचा गया और 2007 का मामला अचानक से इन लोगों ने उस समय भी सवाल उठाया था, ललन सिंह ने सवाल उठाया था, ये तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था। तो ये अननोन सोर्सेज सीबीआई 10 साल बाद रेड करती है, केसेस करती है, इसका ये मतलब क्या है? यानी सीबीआई उस समय क्या कर रही थी और अब क्या कर रही थी? ये तो पब्लिक डोमेन में था, तब यूपीए की सरकार थी, तब यूपीए की। आप मानते हैं कि जो सरकार होती है उसके अंडर ये एजेंसियां काम करती है? 2007 से 14 यूपीए की सरकार थी, तब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब हो रही है क्योंकि एनडीए की सरकार के अनुसार, यानी एनडीए की सरकार आ रही है तो उन्होंने ये काम कराया है ना, यानी ये षड्यंत्र है। यही तो बात हम कह रहे, आपने अभी स्वीकार कहा, जी हाँ मैंने कहा कि सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपके खिलाफ गंभीर आरोप लगा रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ 2015 में आपने नीतीश उसी नीतीश के साथ गठबंधन किया, महागठबंधन क्यों किया? फिर आपको पता होना चाहिए कि जब नीतीश जी गठबंधन के लिए तैयार हुए हैं तो लालू जी कन्विक्टेड हो चुके थे, तब उन्होंने ऐसे पार्टी के साथ उन्होंने क्यों गठबंधन किया जानते हुए भी, और उनपे खुद एफआईआर नहीं कोर्ट में केस चल रहा है 302 का, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, आर्म्स एक्ट का सीरियस चार्जेस हैं, कोर्ट में तारीख तय होती है, तो क्या हम उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार जी एक्सप्लेनेशन देंगे? और ये 2015 में आप लोगों ने जो गठबंधन किया, क्या उसका एक ही मतलब था? आप मोदी विरोधी थे, आपने एक मोदी विरोधी महागठबंधन किया, अब वही नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश जी गए हैं, यानी महागठबंधन खत्म? ये अवसरवादी महागठबंधन हमारे तरफ से नहीं था। अगर हमारे तरफ से अवसरवादी गठबंधन होता तो स्पीकर का पद हम अपने पास रखते हैं। पूरी आजादी और छूट नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने दे रखा था काम करने का। लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि यही मुद्दे पर सुशील मोदी के खिलाफ भी हम लोगों ने एलिगेशन हमारी पार्टी ने लगाने का काम किया। बेनामी तो जिसके नाम पे नहीं किसी और के नाम पे हो वो ना होता है बेनामी, तो क्या सुशील मोदी जी को उप मुख्यमंत्री का आज शपथ ग्रहण करा करके, समारोह करा करके, उप मुख्यमंत्री बना करके, तो किस बात का नीतीश जी ने इस्तीफा दिया? और खुद क्यों जिस बात पे इस्तीफा दिया फिर उसी बात को काट करके खुद शपथ क्यों लेने का काम किया? क्या ये नहीं हो सकता था कि महागठबंधन विधायक दल का बैठक बुलाया जाता और कोई तीसरा नेता चुना जाता और नीतीश जी को सफाई देनी चाहिए थी? सफाई देते या तो चुनाव में जाते, जनता के बीच जाते, जनता से चुनकर आते, क्योंकि जनता ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में मानने वाले लोग हैं, उन्होंने महागठबंधन को देख के वोट दिया था, बीजेपी के अगेंस्ट वोट देने का काम किया था। सही है जब जेडीयू कहती है कि लालू जी पुत्र मोह में सरकार बचाने में लगे हुए थे, आपको बचाने में लगे हुए थे, इससे नीतीश कुमार बिल्कुल परहेज कर रहे थे। मुख्यमंत्री बना दिए उनको, हमको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो भाई मोह ज्यादा था, पुत्र मोह तो कम था। भाई मोह तो ज्यादा था, हमारी तो सबसे बड़ी पार्टी थी, लार्जेस्ट पार्टी थी, तो कहाँ से पुत्र मोह? अरे कुछ बोलने के लिए और पीएम के भाषण के लिए और जो आरएसएस का जो सपना है, गोवलकर का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए। आप बताइए, गांधी जी का चंपारण सत्य शताब्दी चल रहा है और यही गांधी जी की बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले और गांधी जी के हत्यारों के साथ मिल गए, ये कैसी बापू को श्रद्धांजलि है भाई? तेजस्वी जी, सवाल ये है कि वो जमाना था महात्मा गांधी का, ये जमाना है राहुल गांधी का। अब नीतीश कुमार को लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो केंद्र में है, उनका एक वो मजबूत नेता है, राहुल गांधी कमजोर पड़ रहे हैं, कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, कमजोर नेता कमजोर कड़ी के साथ वो जुड़ना नहीं चाहते। अब मैंडेट का सम्मान होगा, पब्लिक ने जो वोट दिया उसका तो सम्मान करना चाहिए नेताओं को। तो आप कह रहे हैं चुनाव में चलिए एक बार फिर? हमको क्या दिक्कत है, आप तैयार हैं? 12 करोड़ बिहार की जनता हमारे साथ है, आपको ये मालूम होना चाहिए। मानते कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, आप और कांग्रेस अब जनता के सामने नहीं जा पाएंगे, आपको नीतीश की भी जरूरत है। बीजेपी को क्या जरूरत था नीतीश जी को? नीतीश जी अगर मजबूत थे तो उनको क्या जरूरत था बीजेपी को?
ये सवाल तो उनको जानना चाहिए। कहते हैं कि हम तो चुनाव में नहीं जाना चाहते, लेकिन चुनाव का सारा कारण और इन्होंने तय कर दिया था, सब कुछ फैसला कर दिया था, इन्होंने इस पोजीशन पे ले आया था बिहार की राजनीति कि चुनाव हो सकता था, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं करा रही है चुनाव? क्योंकि वो डरी हुई है, नीतीश जी डरे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उन्होंने किया है बिहार को धोखा देने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। आप कह रहे हैं नीतीश जी और बीजेपी डरे हुए हैं, लेकिन आपकी आरजेडी की तरफ देखिए, पहली बार न केंद्र में न राज्य में एक ऐसी सरकार होगी जो आपकी तरफ है। आपके फैमिली पर परेशानी है, लालू जी को रांची जाना पड़ता है, उन पर मुकदमे हैं, आप पर आरोप है, मीसा पर आरोप है, केवल राबड़ी देवी जी एक तरह पर उन पर आरोप इस समय नहीं लग रहे, बाकी सब पर है। हाँ, इन पर भी FIR हुए, तो क्या आप नहीं मानते कि आप डिफेंसिव पर हैं? लालू जी के आरोप कौन लगाया है? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पूरे लगाया है, लेकिन पूरे परिवार पर एक दबाव है कि नहीं? आरोप आरोप चलता रहेगा। हम मेरा कहना है ये केस खत्म भी हो जाएगा तो आगे ये 10-15 केस और हमारी जुबान को दबाने के लिए ये करने का काम करेंगे। हम पे ही नहीं, लालू जी के जो ग्रैंड चिल्ड्रेंस हैं उन पे भी ये केस करेंगे। जो क्यों होते हैं केस, क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो सबूत होंगे ना, केस बगैर सबूत के कर रहे हैं। मर्डर केस था तो कैसे इसी पर ले लिए मर्डर केस उनका पर? ठीक है, मर्डर केस है नीतीश कुमार पर, वो कैसे ओथ ले रहे हैं, कैसे इतना 9 साल से मुख्यमंत्री साथ कल तक थे ना सरकार में? मेरा ये कहना है कि कल तक तो आप उनके साथ सरकार में थे। अरे भाई, तो हम हाथ नहीं मिलाए थे, लालू जी हाथ नहीं मिलाए थे, नीतीश जी हाथ आके हाथ मिलाए थे। तो आपको लगता है गलती की आपने? आपको लगता है गलती? अरे मम्मी, हम लोग गलती किए, हाथ मिला के हम लोग गलती किए उनसे। सुन लो, आपको लगता है नीतीश धोखा देगी उनका? कह रहे हैं आप, कह रहे हैं नीतीश से आपको? आप सुन लीजिए, हम उन लोगों में से मानने वाले लोग हैं कि FIR अगर आप पे हम कर दें तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दोषी हैं। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। तो कल चार्जशीट हो जाए तो नकारात्मक चार्जशीट हो जाए? अरे भाई, क्या होगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, उसमें क्या होता है, कयास लगाने का क्या क्यों दिक्कत होगा? जो भी होगा हम लोग मुकाबला हम लोग करेंगे। हम लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, हमको किसी चीज़ का फिक्र नहीं है। ये लोग जबरदस्ती जोर जबरदस्ती जो चाहे करें उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं। आप नहीं मानते जब नीतीश जी जाकर कहते हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई है, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई? काश काश खुशी होगी, जितने सवाल एलिगेशन हमसे पूछे जा रहे हैं, हमको जस्टिफाई करना पड़ रहा है लोगों के पास आकर के, उन लोगों से भी ऐसे सवाल पूछे जाएं, उन लोग क्या जस्टिफाई करेंगे? आपने आप जाके नीतीश जी से पूछिएगा कि वो पब्लिक के बीच जाकर के अपने केस के बारे में बताएंगे, क्या केस हमने किया है? ये तो पुराना केस है, हाईकोर्ट का मामला है, क्यों छुपा के रखी गई इस केस को? तो ये बातें, और साथ ही साथ क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों के साथ अलायंस किए हैं जिनके कई प्रदेशों में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पे चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उनके डिप्टी CM हो या शिवराज चौहान हो, जहां बड़े बड़े घोटाले हुए, व्यापक घोटाला हुआ। अभी आपने कल भी ट्वीट किया था, रीट्वीट किया था राजदीप जी, हमने देखा था कि व्यापम में शायद एक और मर्डर हो गया है, और विटनेस का क्या हो रहा है वो मध्य प्रदेश की बात है। मैं आपसे बात हम करना चाह रहे, देश का माहौल देखिए ना, ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से जितने अलायंस जो भी ऑपोजिशन के हैं, जो भी ऑपोजिशन है सबके खिलाफ ये साजिश हो रही है। एक एक बड़ा आरोप जो लग रहा है, राबड़ी देवी जी आए, आपके आपके भाई भी याद है, आप है, मीसा आप राज्यसभा MP बन गई है, ये आरोप लग रहा है कि लालू जी ने एक सामाजिक क्रांति सोशल रेवोल्यूशन को परिवारवाद में बदल दिया, और ये परिवारवाद के खिलाफ एक तरह से नीतीश कुमार है। प्रधानमंत्री आए परिवारवाद के खिलाफ बोला, जनता ने क्या जवाब दिया? और जनता से बड़ा कौन होगा? क्या बोला था प्रधानमंत्री जी, याद करना चाहिए। उसके बाद वोट हुआ कि उससे पहले वोट हुआ? उसके बाद वोट हुआ, कौन जीत के आया? हम मैदान में गए, चुनाव लड़के आए, वो मेरे क्षेत्र में भी आए, कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, मेरे अगेंस्ट बोले, परिवारवाद ही क्या, कितने अपशब्द बातें भी बोली, और वही प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी के DNA के बारे में क्या कहा? तो ये कि नीतीश कुमार जी का कहना है या उनके समर्थकों का कि पिछले 20 महीनों में उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, लॉ ऑर्डर के सवाल पर अफसर को ट्रांसफर किया जा रहा था, उन पर दबाव था कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर काबू करना चाहते थे, आप उनको काम करने नहीं दे रहे थे। हाँ,
यही काम हम लोगों का है। हम लोगों को अपने छवि और अपने काम पे ध्यान नहीं है, हमारी पार्टी की छवि पे ध्यान नहीं रहेगा। और नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री रहे हैं, ये सही है ये आरोप या गलत है कि आप लोग अफसर ट्रांसफर कर रहे थे? एक नेगेटिव परसेप्शन बनाने का प्रयास रहा है। और उस दौरान नीतीश कुमार जी का बयान आप देख लें तो उन्होंने क्या कहा, जो बिहार के लिए कुछ नहीं करते, जो कुछ लोग ऐसे बिहार में हैं वही लोग बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जंगल राज के इशू पे। और बीच में तो बीजेपी जंगल राज बोलना छोड़ दी थी। इनके तमाम पूरे देश भर में यानी एसपी के घर पीट करके आ जाए जो यूपी में चल रहा हो वो ठीक है, किस तरह से जर्नलिस्ट को अपमानित किया जाए वहाँ के विधानसभा में, मार के भगाया जाए, थाली खींच लिया जाए लंच का, वो सारा ठीक है। ये जंगल राज नहीं है, लोगों का जुबान बंद कर दिया जाए, बोलने ना दिया जाए, छात्राओं को यूनिवर्सिटी के लोगों को ना बोलने दिया जाए, वो जंगल राज नहीं है। क्या बीजेपी जेडीयू का जब अलायंस था तब सुशासन था, क्योंकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार में एक तरह से एक ट्यूनिंग थी, आप में और उनमें नहीं थी। आप उनसे बहुत कम के उम्र के हैं, आप पर दबाव था, लालू जी रिमोट कंट्रोल करना चाहते थे। उम्र के थे ना, हम मानते हम कम उम्र के थे। बिहार के जितने आवाम है ना सबसे ज्यादा युवा है 60%, तो ट्यूनिंग कैसे करेंगे युवाओं के साथ? नीतीश कुमार जी रोजगार कहाँ से दिला पाएंगे युवाओं को, कैसे ट्विन करेंगे? 25 साल में क्या हुआ है बिहार में? लालू जी राबड़ी जी ने सबसे ज्यादा राज्य बिहार में आप ही के पार्टी ने किया है, आज बिहार पिछड़ा क्यों है? पिछड़ा क्यों, कितने तेजी से मेरा, आप जाके मिनिस्ट्री में कामकाज देख लीजिए, कभी एनालाइज किया आप लोगों ने मेरे काम को लेकर के? और जो आरोप लगाते हैं उसमें तो तुरंत एनालाइज करने लगते हैं लोग, क्योंकि आरोप मैं फिर से कहता हूँ मेरे गंभीर आरोप लगाने से गंभीर हो जाएगा। अब मर्डर का जो केस है वो गंभीर नहीं होता है ना, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये गंभीर नहीं कहा, मैंने कहा जो आरोप आपके खिलाफ है उसको आपको सफाई तो देनी ही पड़ेगी एक ना एक दिन। दंगों में हजारों करोड़ लोगों को मरवा दिया गया, ये सब गंभीर नहीं है। देश में जिस प्रकार से लिंचिंग हो रही है ये सब गंभीर मुद्दे नहीं है, ये सब तो छोड़ देना चाहिए ना, ये सब तो कुछ नहीं मुद्दा ही नहीं है। और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं सारे ऑपोजिशन के लोग भ्रष्टाचारी हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं चार्जशीटेड लोग भी जो बैठे हैं वो लोग तो ईमानदार लोग हैं। और लोग जो लोग देश चला रहे हैं आप लोगों ने तो कितने साल से उनको जानते हैं, कितने दिनों से कवर करते रहा है और क्या क्या आप लोगों के खिलाफ भी बोलते रहे, लेकिन वो लोग ईमानदार हैं। आप आखिर में बताइए तेजस्वी जी, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां ये अलायंस तो बहुत मजबूती से दिख रहा है इस समय जेडीयू बीजेपी का बिहार में, केंद्र में भी शायद अब जेडीयू के मंत्री बनेंगे, आप एक तरह से आइसोलेट मार्जिनलाइज हो गए, आपके खिलाफ केसेस हैं, क्या आप समझते हैं ये आपके लिए लालू जी के लिए ये सबसे परेशानी का एक तरह से मोमेंट है, राजनीतिक सबसे बड़ा क्राइसिस आपके सामने? अरे हमारे पिता ने शुरू से ही संघर्ष किया, हम लोग लगातार संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। क्या करोगे? सुनिए बात ये है कि बिहार की जनता ने कमान उठा लिया है, उन्होंने अपने हाथ में कमान ले लिया है। और ये लोग भले ही कैलकुलेशन करते रह जाएं नंबर ऑफ सीट्स पे, लेकिन बिहार की जनता 12 करोड़ जनता और बिहार के युवा हम लोगों के पक्ष में खड़े हैं। इसी फ्लोर पे तो मेजोरिटी उनकी है, आप मानते हैं आपकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसके बावजूद आप नहीं जा पाए गवर्नर के पास अपना दावा पेश करने क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है, ये मानते हैं? हम तो दावा पेश करने गए। आप ये बताइए कल जो हुआ नीतीश जी इस्तीफा देकर के आए, उसके बाद किसी को पता नहीं था कि वो प्रस्ताव देंगे या बीजेपी उनको समर्थन करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों को डाउट था। और हम लोगों को जब समय लेने का वक्त आया तो गवर्नर साहब हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल से ठीक आते ही मुख्यमंत्री जी गवर्नर साहब के यहाँ पहुँच गए। हम लोग उसके बाद हम लोग कई बार संपर्क करते रहे, हम लोगों को टाइम आज 11 बजे का दिया गया था और बाद में पहले शाम में पता चला कि 5 बजे होगा, फिर पता चला 11 बजे हमारे टाइम देने के बाद, फिर 10 बजे होगा, फिर हम लोग रात में गए मिलकर के आउटस्मार्ट कर दिया। तो आपको आउटस्मार्ट करके बड़ी तेजी से सब कुछ कर दिया। आप चाहते थे, आपके पास नंबर्स थे, आप तैयार थे दावा पेश करने के लिए? नंबर्स है तभी तो जेडीयू के तमाम विधायक लोग एक अन्य मार्ग में कैद थे। अगर उनके पास नंबर था और अपने विधायकों पर भरोसा था तो उन्होंने अपने विधायकों को
एक अन्य मार्ग सीएम आवास से बाहर क्यों नहीं आने? आप तैयार है सरकार को गिराने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे? एकदम एकदम तैयार करेंगे एकदम। जेडीयू टूट सकती है? जिन जेडीयू के विधायक जो लोग सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं और कई ऐसे जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता लोग भी हैं, वो सब लोगों ने भी नाराजगी प्रकट करने का काम किया। आपको उम्मीद है कि आप सरकार को गिरा सकते हैं? इसलिए हम लोगों को न्योता नहीं दिया गया ना कि फ्लोर ऑफ द हाउस हम लोगों को मौका मिले हम लोगों को साबित करने का। तो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ स्ट्रैटेजी। तो ये नकारात्मक जिनके मन में घृणा हो, जिनका मन काला हो, वही ऐसी प्लानिंग कर सकता है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी आज का जो युग है राजनीति में, जो झूठ बोले, जो नकारात्मक राजनीति करे, जो भाईचारा भंग करने की बात करे, उसी की बात चली जाएगी क्या? तो यादव परिवार का भविष्य क्या है? आखिरी सवाल, यादव परिवार का अब आरजेडी का भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए, यादव परिवार आप सिर्फ यादव परिवार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का परिवार है, मंडल का परिवार है, अंबेडकर का परिवार है। ये सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता को आपने शब्दों में वहाँ शब्द तो आप बार बार कहते हैं धर्म निरपेक्ष और सामाजिक न्याय, असलियत नहीं, क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं ये केवल भ्रष्टाचार है। वो तो विरोधी और क्या कहेगा, वो कभी कहेगा सेक्युलरिज्म को, इसी वजह से सेक्युलरिज्म कमजोर हो गई कभी हमारा, क्योंकि सेक्युलर लीडर्स भ्रष्टाचार में लिप्त है, वही सेक्युलरिज्म की कमजोरी है। वो कभी कहेगा, जो लोग बैठे हैं जो बीजेपी आरएसएस के लोग, वो कभी गांधी जी को माने थे, अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़े थे, ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने गांधी का विरोध किया, गांधी के विचारों का विरोध किया, अंबेडकर को विरोध किया, अंबेडकर के विचारधारा को विरोध किया, कर्पूरी ठाकुर को गाली देने का काम किया। तो ये लोग तो वही लोग हैं ना, इन लोग जब महात्मा गांधी को नहीं छोड़े, क्या क्या चरित्र हनन किया गया महात्मा गांधी जी का, तो हम लोगों का चरित्र हनन करने में कौन सी बड़ी बात है उनकी।